नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव 2023 के बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना बीवीवी कॉलेज में की गई। बीदर में मतगणना के कारण लोगों में उत्साह। कर्नाटका में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद क्या बोले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटका कांग्रेस में सीएम पद के लिए खींचातान शुरू। डीके शिव कुमार और उनके भाई ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे चितापुर से जीते, सुरक्षित सीट से उतरे थे मैदान में। हमारे मोहब्बत से नफरत को हराया। कर्नाटका में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद बोले राहुल गांधी, जाने और क्या कहा। यूपी नगर निगम चुनाव, कानपुर में जीत की खुशी में फूट फूट कर रोने लगे सपा प्रत्याशी, वीडियो हुआ वायरल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। विधानसभा चुनाव 2023 के बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना आज सुबह शहर बीवीबी कॉलेज में शुरू हुई। पहले चरण में पोस्टल बैलेट की गिनती की गई, उसके बाद लगभग 9:30 बजे मतगणना शुरू हुई। मतगणना के कारण कॉलेज की रोड को बंद कर दिया गया। इसके अलावा इस सड़क पर रहे कारोबार को भी बंद करके पूरी सुरक्षा में गिनती का कार्य किया गया। पुलिस बल के साथ साथ अन्य सुरक्षा बल भी तैनात रहे। यहां तक कि मीडिया को भी बहुत कम छूट दी गई। इसके चलते केपी न्यूज की टीम ने मतगणना के दौरान कवर करते हुए लोगों के रुझान भी लिए। रहीम खान साहब बिल्कुल 10,000 लीड से जीत रहे हैं। पक्का शौर्य जीत रहे हैं, यानी कि चौथी बार जीतना आप अपने आप में इस बात का महत्व। जीत के मिनिस्टर भी बनने वाले हैं। सरकार हर कैंडिडेट हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में जो भी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है वो जीतना ही जीतना तय है। क्यों बोले तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है और बीजेपी जो बातें करके भूल जा रही है, एक एजेंडा चला रही है बीजेपी। देश को कैसे गुमराह किया जाए, आदमियों को कैसे गुमराह किया जाए, और एक बार वोट ले लिए और पैसा दिए, वोट लिए, काम खत्म। ये पॉलिसी जो कांग्रेस की है खाली इलेक्शन जीतना, आदमियों की जो परेशानी है उसके लिए कोई तैयार नहीं है। बीजेपी का आदमी सामने आने के लिए कोई सवाल पूछते हैं तो वो अलग ही जवाब देते हैं। अच्छा ये बताइए, आप सिर्फ रहीम खान के सपोर्टर हैं या फिर कांग्रेस के सपोर्टर हैं? हम पार्टी के सपोर्टर हैं। बीदर में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना रहने से शहर में आज जनसंख्या में इजाफा देखने में आया। खास करके बीवीबी कॉलेज के एक क्षेत्र में अधिक लोगों का जमावड़ा रहा। जैसे जैसे कॉलेज में उम्मीदवारों की बढ़त और वोटों की संख्या बाहर आ रही थी, उस पर उम्मीदवार के समर्थक खुशी और नाराजगी जाहिर कर रहे थे। कई एक उम्मीदवार के समर्थक बाजे गाजे के साथ जीत का जश्न मनाने की तैयारियों में खड़े हुए थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर,
यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध है। गिन्याना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। गिन्याना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर 2023-24 के लिए गिन्याना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन ओपन है और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए गिन्याना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए गिन्याना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास गिन्याना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482127। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन को जनता जनार्दन की जीत करार देते हुए कहा कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रशासन और कांग्रेस की 5 गारंटी के पक्ष में वोट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायकों से आज शाम तक बेंगलुरु पहुंचने के लिए कहा गया है ताकि सरकार की गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को संदेश भेजा है कि वो आज शाम तक यहां पहुंचे। वे शाम तक यहां आएंगे, इसके बाद आला कमान पर्यवेक्षक भेजेगा और फिर सरकार गठन की प्रक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि जीत का श्रेय जनता को देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन जनता जनार्दन की जीत है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है और बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। खबर लिखे जाने तक 224 सीटों में से कांग्रेस 135 सीटों पर आगे है और बीजेपी 64 पर ही सिमट कर रह गई। वहीं जेडीएस के पास 21 सीट और अन्य के पास 4 सीट है। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष इस जीत के नायक बनकर उभरे हैं और उनके समर्थकों की मांग है कि अगला मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को ही बनाया जाए। जीत पर क्या बोले डीके शिवकुमार? कर्नाटक में हुई जीत पर डीके शिवकुमार ने कहा कि ये अखंड कर्नाटक की जीत है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी तय करेगी। इसके अलावा कर्नाटक चुनाव के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और विक्ट्री साइन दिखाया। इस दौरान उन्होंने पार्टी का झंडा भी लहराया। जीत पर डीके शिवकुमार ने कहा, मैं अपने कार्यकर्ताओं पर अपनी पार्टी के नेताओं को श्रेय देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। लोगों ने झूठ का पर्दाफाश किया है। मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जीत का आश्वासन दिया था। मैं भूल नहीं सकता जब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी, तब मैंने पद पर रहने के बजाय जेल में रहना चुना। पार्टी को मुझ पर इतना भरोसा था। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने कमाल कर दिया। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बहुमत के 113 के आंकड़ों से बहुत आगे निकल चुकी है। खबर लिखे जाने तक कर्नाटक में कांग्रेस 135 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी 65 सीटों पर रही। कांग्रेस के इस
उम्दा प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे ने भी अपनी सीट जीत ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे चितपुर सीट से जीत गए हैं। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे 3 बार के विधायक हैं। प्रियांक सिद्धरामैया की पिछली सरकार में पर्यटक मंत्री रह चुके हैं। इन चुनाव में प्रियांक खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी करके खूब लाइमलाइट में आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसी किसी भी टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया था। जिस सीट से प्रियांक चुनावी मैदान में उतरे और जीते, वो असल में कांग्रेस के लिए बेहद सेफ सीट मानी जाती है। चितापुर सुरक्षित सीट पर 29% दलित और 15% मुस्लिम वोटर हैं। इसी दलित और मुस्लिम वोटर कॉम्बिनेशन ने प्रियांक खड़गे को जीत तोहफे में दी है। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए PUC फर्स्ट ईयर, PUC सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा PU साइंस कॉलेज में एडमिशन ओपन है, और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है, और वो भी मिनिमम फीस में, और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं, जो भी बहुत कम प्राइस में, और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञान सुधा PU कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञान सुधा PU कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है, आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd एंड BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd एंड BEd कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटका में कांग्रेस की जीत पर राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटका की जनता को जीत की बधाई देता हूं। राहुल ने कहा कि हमने मोहब्बत से नफरत को हराया, कर्नाटका में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकान खुली है। कर्नाटका की जनता से हमने 5 वादे किए थे, हम इन वादों को पहले दिन पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे।
राहुल ने कहा, सबसे पहले मैं कर्नाटका के हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हमने प्यार से ये लड़ाई लड़ी। कर्नाटका ने दिखाया कि इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है। राहुल से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा, गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी है। तबीयत ठीक नहीं होने पर भी सोनिया ने प्रचार किया। सोनिया, राहुल और प्रियंका को जीत का क्रेडिट जाता है। खड़गे ने कहा, कांग्रेस की जीत जनता की जीत है। जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को हराया है। हमें आगे बहुत कुछ करना है, हमें वादे निभाने हैं। हमारी 5 गारंटी हम पूरी करेंगे। खड़गे ने कहा, आने वाले दिनों में भी जहां जहां राज्यों के चुनाव होंगे, वहां हम कर्नाटका की तरह चुनाव जीतने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कर्नाटका के विधायकों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री के नाम पर सभी की जो सहमति बनेगी, उसे हाईकमान के सामने रखा जाएगा। हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। कहते हैं, आंसू दो तरह से आते हैं, जब इंसान बहुत दुखी होता है और जब बहुत खुश होता है। ऐसा ही एक मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है। यहाँ जैसे ही सपा से पार्षद प्रत्याशी अकील सानू को अपनी जीत का सिंबल मिला, तो वह खुशी से फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान उनके आसपास खड़े समर्थकों ने उनका हौसला बढ़ाया और जीत की मुबारकबाद दी। प्रत्याशी की जीत की खुशी में रोने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला? कानपुर में आज नगर निगम चुनाव के वोटों की काउंटिंग चल रही थी। कानपुर के बेगमपुरवा से अकील सानू ने सपा से प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया था। वोटों की काउंटिंग होने के बाद जब उन्हें जीत का सिंबल दिया गया, तो उन्हें अपनी जीत पर भरोसा ही नहीं हुआ और वो खुशी से जोर जोर से रोने लगे। इस दौरान उनके साथियों ने उन्हें समझाया और वहां से ले गए। इसके बावजूद प्रत्याशी लगातार रोता रहा। प्रत्याशी का रोते हुए लोगों ने वीडियो बना लिया और ये वायरल हो गया। जानकारी मिली है कि प्रत्याशी 15 साल से संघर्ष कर रहा था, इसीलिए वह खुशी में रो रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी लोकप्रिय हैं और देश विदेश में उनके फॉलोअर्स हैं। इस बीच खबर मिली है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर में हर रोज पीएम मोदी की आरती उतारी जाएगी और इस मंदिर की स्थापना दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंदिर के पास होगी। किस तरह का होगा पीएम मोदी का मंदिर? मंदिर के लिए पीएम मोदी की मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार के द्वारा तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति 1.5 फुट की बनाई जा रही है। पीएम मोदी की मूर्ति तैयार होने के बाद इसे मंदिर में स्थापित किया जाएगा। सबसे खास बात यह है, पीएम मोदी का यह मंदिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के मंदिर के पास स्थापित होगा। अटल का मंदिर यहाँ पहले से ही मौजूद है और रोज उनकी सुबह शाम आरती उतारी जाती है। अब पीएम मोदी का मंदिर बनने के बाद उनकी भी रोज आरती उतारी जाएगी। अखिल भारतीय युवा अभिभाषक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने बताया कि यह मंदिर शहर के सत्यनारायण की टेकरी पर तैयार हो रहा है, जहां पर पहले से स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मंदिर है। पीएम मोदी की मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव परिणामों में ही कांग्रेस ने शुरुआती रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। आज आने वाले फाइनल नतीजों के बीच कांग्रेस ने अपनी रणनीति को भी अंतिम रूप दे दिया है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय तक ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इसी बीच शिवसेना के नेता संजय रावत ने कहा कि बजरंगबली की गदा बीजेपी के सिर पर पड़ी है। कर्नाटका में किसी भी हालत में मोदी जी और अमित शाह की हार है। यह बीजेपी की बाद में हार है, पहले शाह और मोदी की हार है। बता दें कि संजय रावत का इशारा स्पष्ट रूप से उस बड़े विवाद की ओर था, जो कांग्रेस द्वारा कर्नाटका के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में चरमपंथी संगठनों पर शिकंजा कसने के वादे के बाद शुरू हुआ था। अब समाचार विदेश के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब इमरान खान के मसले पर सुनवाई कर रहा था, ठीक उसी वक्त कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग कर रहे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दरअसल शहबाज शरीफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से बिगड़े हालात और राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए पाकिस्तान में इमरजेंसी और मार्शल लॉ लगाने की तैयारी कर रहे थे। इमरजेंसी लगाने का यह विचार शहबाज के दिमाग में उस वक्त भी आया था, जब इमरान की गिरफ्तारी के महज 48 घंटे में पूरे देश के हालात बेकाबू हो गए। मगर गठबंधन के साथ ही इसके लिए तैयार नहीं हुए, अन्यथा देश में अब तक इमरजेंसी लग गई होती। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। द केला स्टोरी, भारत के बाद अब विदेश में भी मचाएगी धूम। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का आंकड़ा कर चुकी है पार।
अब समाचार खेल जगत के। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जेंट्स, हैदराबाद की तेज शुरुआत, लखनऊ को मिली सफलता। आखिर में समाचार बाजार के। आरबीआई की जादू का महंगाई पर दिखा असर, टूटा 18 महीने का रिकॉर्ड। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव 2023 के बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना बीवीवी कॉलेज में की गई। बीदर में मतगणना के कारण लोगों में उत्साह। कर्नाटका में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद क्या बोले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटका कांग्रेस ने सीएम पद के लिए खींचातान शुरू, डीके शिवकुमार और उनके भाई ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे चितापुर से जीते, सुरक्षित सीट से उतरे थे मैदान में। हमारे मोहब्बत से नफरत को हराया, कर्नाटका में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद बोले राहुल गांधी, जाने और क्या कहा। यूपी नगर निगम चुनाव, कानपुर में जीत की खुशी में फूट फूट कर रोने लगे सपा प्रत्याशी, वीडियो हुआ वायरल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।